My birthday, 23rd March. My sun sign, Aries. I love traveling and I dislike makeup. My favorite food would be dal, chawal and sabji. And my passion, acting. हाय, आज लेट्स टॉक में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारी इंडस्ट्री की लेटेस्ट न्यू कमर के साथ जो बहुत ही इंटेंस और बहुत ही प्रॉमिसिंग मानी जाती हैं। अपनी दो फिल्मों के अंदर अ 20 ईयर ओल्ड गर्ल हैज शोन अ रेंज ऑफ इमोशंस जो बहुत सारी मच्योर एक्ट्रेसेस नहीं दे पाती हैं। आई थिंक आजकल हमारी इंडस्ट्री की काफी सारी लड़कियां इनसे बहुत डरती हैं, इनके साथ काम नहीं करना चाहती। सो व्हाट मेक्स अ स्मॉल इनोसेंट हिमाचली गर्ल कम टू द बिग बैड वर्ल्ड ऑफ फिल्म्स इन मुंबई? लेट्स फाइंड आउट एज वी टॉक टुडे विद कंगना रनौत ऑन लेट्स टॉक। हाय कंगना। हेलो। एंड ऑलरेडी आई लाइक हर क्योंकि हम दोनों के बाल मिलते जुलते हैं। आप हमें बता दो, स्ट्रेट बाल आपके असली बाल हैं या कर्ली बाल? Well, this is what I have naturally, जो मुझे भगवान ने दिया है। It is very nice. Do you like your hair? Yes, of course. I like anything about me which is given by God. और बाकी artificial तो कहीं कुछ करता रहता है, कहीं कुछ चलता रहता है, but this is my natural thing. Well, it suits you a lot. I have to ask you, इसे 20 साल की हैं, which is quite young. Well, अभी मैं 20 की हुई नहीं हूँ, but I will turn 20. Okay, so सिर्फ 19 साल की हैं, and of course इनकी दोनों फिल्में आपने जरूर देखी होंगी, and she's played this very very intense character in both films. जब आपको पहली बार ये स्क्रिप्ट दी गई, did you think कि पता नहीं मुझसे ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। अगर आपको किसी चीज़ का थोड़ा भी नॉलेज हो, इफ थोड़ा भी मुझे एहसास होता, मैं जब मैंने गैंगस्टर ने साइन की थी, मैं किसी शूट पे भी नहीं गई थी। ओह, तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि कितना मुश्किल होगा या वाकई में बहुत मेहनत वाला काम है। तो थोड़ा बहुत थिएटर किया था, सो आई थॉट इट विल बी समथिंग वेरी चैलेंजिंग और आई लाइक चैलेंजेस एंड मैंने सोचा मज़ा आएगा करने में। लेकिन जब शुरू हुआ काम तो मुझे पूरी नानी दादी सब याद आ गई। नो, बिकॉज पहली ये दो फिल्मों में आई एम श्योर यू हैव सीन दिस वेरी वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर्स। मतलब आई थिंक लोग हमारी इंडस्ट्री में पूरी जिंदगी बिता देते हैं, दे नेवर गेट लाइक फीमेल सेंट्रिक रोल्स लाइक दैट, हमेशा डेकोरेशन ही रह जाती है हमारी हीरोइंस, बट यू हैव बीन वेरी लकी। या आई थिंक सो, क्योंकि ये सब आई थिंक इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। आप मेरी शुरुआत गैंगस्टर से होनी थी एंड देन फॉलोड बाय वो लम्हे। And I really thank people like Mr. Mahesh Bhatt and Anurag and Mohit and Mukesh Bhatt, you know, जिन्होंने मुझ पर faith रखा, because roles तो आते हैं और scripts भी बनती हैं, लेकिन किसी पे इतना confidence होना, वो भी एक नए actor पे, कि आप एक छोटी सी बच्ची पे कि आप उसी को सारी जिम्मेदारी दे दो एक फिल्म की, okay, you do it, you know. So I think ये उनका confidence है जो उनमें है, because they know they can get it out of me, so ये उनकी confidence है। don't have इनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है हिमाचल में, योर डैड इज अ बिजनेसमैन एंड मम्मी एक टीचर हैं, राइट? और आपकी बहन एक स्टूडेंट है। तो आप फिल्मों में कैसे आ गई? हाउ डिड यू थिंक कि मैं फिल्मों में जाऊंगी? मैंने अचानक फिल्मों में आने का नहीं सोचा, बिकॉज इट इज नॉट वेरी प्रैक्टिकल टू थिंक ऑफ बिकमिंग एन एक्ट्रेस, वो भी हिमाचल में रह के। या बिकॉज नो, यू एनीवेयर, यू आइदर यू मेक इट और यू डोंट, यू नो, देयर इज नो नॉट अ क्वालिफिकेशन और अ डिग्री यू हैव टू take and okay then you will I mean MBA matlab master of master acting. of acting and now I'll get a job. It's not like that, you know, either you make it or you don't. So well, this thought never came to me that I will go to Bombay and struggle there and one fine day I'll get a chance and be an actress. It's just that I was doing acting in Delhi and I was doing modeling with this modeling agency called Elite. Achha. And then suddenly Anurag Basu, he met me and he told me that come and give some auditions, and then I went through couple of screen tests aur uske baad mujhe gangster mil gayi. Lekin kabhi nahi socha tha ki main filmon mein heroine banungi and all of that. Nahi. Sachi? I swear, it's not that ke mujhe pasand nahi tha. It's just that ke I could not, like, you know, it would be something as silly as I am thinking that okay, I want to be a president. I want to be a prime minister. You know, it's not something practical for a girl who goes to school and thinking of going to college. Huh. Not a very practical thing to. So, jo modeling aap kar rahe the, that was supposed to be matlab time pass, hobby ke taur par, waise kamane ke liye. हाँ, पैसे कमाने के लिए ज़्यादा मेडिसिन कर पाए और नो, नॉट फॉर मेडिसिन, आई वाज डूइंग थिएटर एंड देन आई हैड दिस ह्यूज गैप ऑफ 4-5 मंथ्स बिटवीन कॉलेज एंड स्कूल। ओके, तो मैंने सोचा इस छुट्टियों के दौरान, या कि आई वांट टू एक्ट, बट जब मैं थिएटर कर रही थी दैट टाइम आई डिसाइडेड दैट दिस इज समथिंग आई वांट टू डू। और मॉडलिंग आई वाज स्टेइंग इन दिल्ली, और दिल्ली बहुत ही महंगा शहर है, तो उसमें यू नो, सो दिस एजेंसी दे अप्रोच्ड मी एंड आई वाज लाइकिंग दिस होल आइडिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि वी विल सेंड यू टू पेरिस,
एलिट इज देयर इन पेरिस आल्सो सो आई वाज लर्निंग फ्रेंच आल्सो तो मतलब बिना कुछ सोचे पूरी अपने आप एक डायरेक्शन में लाइफ जा रही थी सो यू नो आई डिडंट मेक एनी प्लान एज सच दिस इज वेरी डिप्रेसिंग फॉर पीपल जो प्लान बनाकर आते हैं हमारे शहर के मैं हीरोइन बनूंगी और मेरी पूरा जो प्लान है सब रेडी है एंड ऑल ऑफ दैट बिकॉज इत्तेफाकन यही होता है कि जो भी स्टार बन जाता है उन्होंने कभी जिंदगी में प्लान ही नहीं किया होता है कि वो ऐसा करना चाहते हैं एंड इट्स ऑल लक देन नो वेल ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ लक ही है जिस तरह के माहौल से मैं आई हूँ या तो आप ये नहीं कह सकते कि ये फॉर्मूला है और ऐसा ही होता है और सेकंड चीज ये है कि जो चीजें मैंने नहीं की है मुझे अभी करना पड़ता है जैसे कि एक्टिंग एक्सरसाइजेस रियली हाँ मैं करती हूँ और मुझे इस बात का दुख भी है कि अगर काश मैंने थिएटर 4-5 साल तो किया होता बिकॉज मैंने 8-9 महीने भी नहीं किया और मुझे फिल्में करनी पड़ी और उसके बाद मैं रोज क्लासिकल डांस करती हूँ 1.5 से 2 घंटा फिर उसके सिवाय मैं और भी जितना मैं कर सकती हूँ मैंने जब मैं छोटी थी मैंने कोई भी फिल्म नहीं देखी और आई स्टिल रिमेम्बर माई डैड टेलिंग मी के अगर वो मुझे कभी शीशे के सामने देख लेते थे तो माई डैड यूज़ टू टेल मी व्हाट आर यू डूइंग हियर तुम्हें हीरोइन बनना है आपने कभी फिल्म ही नहीं देखी थी तो मैं तभी तो आपको कह रही हूँ बिकॉज इट वॉज नेवर इन माई माइंड एवरीबडी आस्क मी हाउ यू परफॉर्म इन गैंगस्टर एंड हाउ इट यू लुक सो डिफरेंट सो अनकन्वेंशनल So I think the main reason behind this is this that I have never seen movies. My work is not influenced by anybody. You're a spontaneous actress. More natural. Yeah, natural. Yeah. So that is the main reason, you know. So I don't want to lose that rawness in me, but still you need to work. So imagine two intense filming करने के बाद now finally she's doing training and all. Of course आप ये जानते हैं that emotions बहुत आसानी से आ जाते हैं and she's very good with dramatic scenes and dramatic lines. लेकिन एक चीज है जो actress को करनी पड़ती है जिससे इन्हें बहुत डर लगता है वो कौन सी चीज है हम आपको बताएंगे एक छोटे से break के बाद keep watching let's talk.